दोस्तों, ये बात उस जमाने की है जब उत्तराखंड के लोग होटल या धर्मशालाओं के शब्द से अनजान थे। लेकिन उस समय उत्तराखंड में एक ऐसी दानी महिला थी जिसने अपनी सारी धन दौलत धर्मशालाओं के निर्माण कार्य में लगा दी थी। इन महिला का नाम जसुली देवी था, जो कि पिथौरागढ़ के दारमा घाटी की थी। जसुली देवी की धर्मशालाएं यानी इनके होटल्स की बात करें तो इन्होंने उत्तराखंड में लगभग 300 धर्मशालाओं का निर्माण कराया था, जिन्हें अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। ये धर्मशालाएं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र तक फैली हुई थी। इन महान महिला का सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि जो भी बाहर के लोग देवभूमि उत्तराखंड में मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके लिए दिन या रात के समय रुकने का कोई प्रबंध होना चाहिए। कहा यह जाता है कि अपने पति और बेटे की असमय मौत के बाद जसुली देवी ने दान स्वरूप अपनी धन दौलत को नदियों में बहाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय के कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रेमजे ने उन्हें 1830 में सलाह दी थी।